एक तरफ जहां दुनिया भर में इजराइल के ऊपर गाजा में युद्ध रोकने का दबाव बनता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला के भयानक हमलों से जूझ रही है। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक हिजबुल्ला ने पिछले 200 दिनों में इजराइल पर किए गए हमलों का एक आंकड़ा जारी किया है, जो अपने आप में बेहद ही डरावना है। और हिजबुल्ला के इस दावे से ये बात सामने निकल कर आती है कि इजराइल को गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ना आर्थिक रूप से कितना महंगा पड़ रहा है। लेकिन IDF पर हमलों को लेकर हिजबुल्ला रोज एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इजरायली सेना पर एक और बड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने 25 अप्रैल 2024 को इजरायली सेना पर अल-धायरा मिलिट्री साइट पर दोपहर के करीब 3:20 पर इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर बड़ा हमला किया। हिजबुल्ला ने इस हमले में रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है, और इसके चंद घंटों बाद हिजबुल्ला ने शाम 5:15 पर कब्जे वाले शीबा फार्म्स में जिब्दीन बैरक्स पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। इसके अलावा IDF के इयन मर्गैलियट आर्टिलरी हेडक्वार्टर पर भी हिजबुल्ला ने ड्रोन से हमला किया है। हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसका ड्रोन सफलतापूर्वक टारगेट पर जाकर लगा है। और इस हमले के बाद रात करीब 11 बजे हिजबुल्ला ने पहले तो इजरायली सेना के एक जत्थे पर लेबनान बॉर्डर पर करीब से निगरानी रखी, और उसके बाद जैसे ही IDF की ये टुकड़ी अल मलिकिया पोस्ट के पास पहुंची, वैसे ही हिजबुल्ला ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी हिजबुल्ला ने कब्जे वाले लेबनान के कफार चौबा हिल्स में रुईशत अल अलाम साइट पर इजरायली सैनिकों पर पहले से निगरानी रखी थी, और उसके बाद उन पर हमला कर दिया था। इस हमले में हिजबुल्ला ने गाइडेड मिसाइल, गोला बारूद और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले की वजह से इजरायली सेना को स्मोक स्क्रीन यानी धुंध का माहौल बनाना पड़ा, ताकि वो अपने सैनिकों को रेस्क्यू कर पाए। हिजबुल्ला के मुताबिक पिछले दो हमलों में IDF के 2 सैन्य वाहन तबाह हो गए हैं। वहीं लेबनानी मीडिया अल मायादीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रुईशत अल अलाम साइट के पास हिजबुल्ला के हमले में IDF की गोलानी डिवीजन की 12वीं ब्रिगेड का एक ट्रक इस हमले में नष्ट हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रक पर हिजबुल्ला ने गाइडेड मिसाइल से हमला किया था, और हिजबुल्ला द्वारा दागे गए गोले IDF के सैन्य अड्डे के भीतर जा गिरे थे, जहां पर IDF के जवान इकट्ठा हो रहे थे। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में IDF को सैनिकों का नुकसान हुआ है।